साथियों, मैंने अभी तक कई लोगों से यह सुन रखा था कि भारत का पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन फुटबॉल के प्रति अपने इंथुजियाज्म के लिए जाना जाता है, लेकिन आज अपनी आंखों के सामने में यह जो दृश्य देख रहा हूं, डूरंड कप को लेकर आप लोगों के अंदर जो उत्साह मैं यहां देख रहा हूं, उसने यह मुझे मानने पर मजबूर कर दिया है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों के दिलों का रास्ता फुटबॉल से ही होकर जाता है। मैं आज अपने सामने जो यह दृश्य देख रहा हूं, जो जुनून आप लोगों के अंदर देख रहा हूं, भारत में फुटबॉल के प्रति इतना जुनून कम ही स्थानों पर हमको देखने को मिला है। साथियों, फुटबॉल जिसे पूरी दुनिया में ब्यूटीफुल गेम के नाम से जाना जाता है, यह सिर्फ एक खेल नहीं है बल्कि यह एक इमोशन है। आप लोगों ने महान ब्राजीली फुटबॉलर पेले का नाम तो सुना ही होगा। उनसे संबंधित एक इंसिडेंट बड़ा ही चर्चित है और मुझे वही इंसिडेंट इस समय याद आ रहा है जिसकी मैं चर्चा आपके बीच करना चाहता हूं। प्रसंग कुछ इस प्रकार का है कि 1970 के डिकेड में नाइजीरिया में सिविल वार छिड़ा हुआ था और उस युद्ध में हजारों लोगों की जानें गई थीं। माहौल एकदम बिल्कुल बहुत ही टेंस था, तनावपूर्ण था। पुलिस व नेताओं की कोई भी अपील जनता सुनने को तैयार नहीं थी, लेकिन जब पेले एक फ्रेंडली मैच खेलने के लिए नाइजीरिया आने वाले थे तो सिविल वार चलने के बावजूद दोनों पक्षों ने अपने वार को रोक दिया और 48 घंटे तक नाइजीरिया में उस समय शांति बनी रही केवल फुटबॉल देखने के लिए। आप सोच कर देखिए कि फुटबॉल ने किस तरह एक चमत्कारिक ढंग से स्थिति को सामान्य किया था। यदि फुटबॉल की वजह से कोई गृह युद्ध रुक जाता है, सिविल वार यदि रुक जाता है, तो उसका अर्थ यह है कि फुटबॉल लोगों को जोड़ने वाला खेल है और यह शांति का खेल है। यह सिर्फ एक गेम नहीं है बल्कि गेम से कहीं अधिक बढ़कर है। पटना और बेंगलुरु के बाद इंडिया की मीटिंग, इंडिया समिट,
ये मुंबई में होगा 31 अगस्त, 31 अगस्त और 1 सितंबर को सर। और इस मीटिंग का आयोजन यानी होस्ट उद्धव ठाकरे जी यानी शिवसेना करेगी, हमारे साथ हमारे साथी कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रहेगी। आज के मीटिंग में शरद पवार साहब थे, सुप्रिया सुले जी थी, पृथ्वीराज चव्हाण साहब थे, नानाजी पटोले, अशोक चव्हाण, सभी कांग्रेस के नेता थे। और हमने तय किया 31 अगस्त और 1 तारीख को इंडिया समिट होगा मुंबई के ग्रैंड हाइट होटल में, और पूरी तरह से हम जोर लगाकर यह हमारी मीटिंग सक्सेस करेंगे। जिम्मेदारी बांटी गई है और सभी पार्टी एक साथ बैठकर सभी निर्णय लेंगी, चाहे स्वागत करना है लोगों का, प्रमुख लोग आने वाले हैं, सिक्योरिटी की व्यवस्था है, इस बारे में हम यहाँ की सरकार के साथ बातचीत हमारी चल रही है। लेकिन 31 और 1 तारीख को, 31 तारीख को शाम को उद्धव ठाकरे साहब ने एक डिनर आयोजित किया है सभी निमंत्रित जो है गेस्ट है उनके लिए, और 1 तारीख को सुबह 10 बजे से बैठक को प्रारंभ होगा 3 बजे तक, और बाद में प्रेस वार्ता साउथ कश्मीर में 3 हमारे सिपाही मारे गए। क्यों हंगामा नहीं हो रहा इस देश में? क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है बोलकर 3 हमारे सिपाहियों को आतंकवादी पाकिस्तान से आके मार दिए, और आप वर्ल्ड कप मैच खेलेंगे अहमदाबाद में? बताइए कौन सी मोहब्बत है ये भारत से? और फिर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आपको कह रहा हूं, आज की इंडियन एक्सप्रेस की फ्रंट पेज पे है कि 251 टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए जम्मू कश्मीर में जनवरी 2021 से मई 30, 2023 इस साल में। माने 15 खाली जम्मू के 3 जिले में हुए और 236 वैली में हुए। हाँ अब बताइए, वैली में 129 हुए, 100 और 7 हुए। सिविलियन कैजुअलिटी वैली में सबसे ज्यादा है, 60 है 2021 से अब तक। तो क्या हो रहा है? इससे पहले 2021 सितंबर में, शायद अगस्त में, हमारे 5 जवान मारे गए फॉरेस्ट में, हम जाकर पाकिस्तान से मैच खेल लिए। मैं ही नहीं आई हूँ,
राष्ट्रीय महिला आयोग के दो मेंबर और सदस्य और डीएलएफ के वकील हम लोग सारे लोग हर कॉर्नर पर देख रहे हैं। कल ही हम लोग पहुँचे हैं और जहाँ घटना स्थल पर गए, फिर उनके माता पिता से मिले, परिवार से मिले, वहाँ उस इलाके के एमपी मिले, दो दो एमपी हम लोगों को कल से मिले, पंचायत के पदाधिकारी मिले, सभी लोगों ने इस घटना के बारे में अपनी अपनी जानकारी दी है। पुलिस प्रशासन से भी कल हम लोग एसपी भीलवाड़ा आए थे और डीएम आए थे, एसएसपी से अभी हम लोग थाना में वहाँ बैठे थे, संबंधित जो उस इलाके का थाना पड़ता है, जो एसएचओ हैं, सभी लोगों से, सभी कॉर्नर पर हम लोगों ने तहकीकात की है और तहकीकात करके ये जो घटनाएं है, ये जघन्य अपराध है और इसकी सारे पहलू को, जिसमें कि कुछ लोगों को अरेस्टिंग हुआ है, कुछ लोगों का अरेस्टिंग नहीं हुआ है, उन सारे लोगों की अरेस्टिंग हो, उस बच्ची के साथ जो जाजती हुई है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो जाए और सारे पहलू को देखते हुए आयोग के पास हम लोग रिपोर्ट रखेंगे और जो सरकार में जाएगा। तो किसी की गलती सामने आई है प्रशासन की यहाँ की? देखिए, गलती तो बिना गलती का तो ये हो नहीं सकता है, ये घटना तो गलती का ही परिणाम है और लगातार घटना है। अभी आप देखिए, एक घटना अभी लोगों ने पेपर में दिया है, आज की घटना, एक कल की घटना, एक घटना पर घटना, मैं तो अस्तंभित हूँ इस घटना से, काफी अस्तंभित हूँ।